तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला में डायमेंशन एनालिसिस सेटिंग सेकेंड एप्लीकेशन है, इट हेल्प्स टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन, इट हेल्प्स टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। तो ये क्या करेगा, ये किसी भी रिलेशन की करेक्टनेस चेक करने की का हेल्प करेगा। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक इक्वेशन है s इज इक्वल टू वी टी, मालूम है ये करेक्ट है, पर आप चेक करना चाहते हैं ये करेक्ट है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला देखें क्या है, l। राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला देखें, वेलोसिटी का क्या है, lt माइनस वन, और टाइम का क्या है, t। तो क्या आएगा, l। लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब ये रिलेशन सही है। तो एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये वर्ड लिख लेना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनियस का मतलब है सेम, तो लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला की पावर्स अगर सेम है तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस है, बराबर है, तो इसका मतलब ये रिलेशन करेक्ट है, इसका मतलब है। तो कैसे करेक्टनेस चेक करनी है, लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला चेक कर लेना है, अगर वो सेम है तो सही है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे दूसरा एग्जांपल है s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें तीन क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, l। सेकंड का क्या है, एल टी माइनस वन वेलोसिटी इनटू टाइम मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, एल। थर्ड में हाफ का ना तो कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला है, तो क्या बना, एक्सेलेरेशन का एल टी माइनस टू इनटू टी स्क्वायर, तो क्या आएगा, एल। चेक करूं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल, इसका भी एल, इसका भी एल, इसका मतलब ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये हो पता क्या रहा है, सिंपल वर्ड में समझाऊं कि अगर ये क्वांटिटी, जैसे इसको छोड़ो, अगर एक क्वांटिटी है केजी में, केजी में, ठीक है, पाँच किलो सेब ले लिए मैंने, पाँच किलो को छोड़ो, केजी में लिए, और मैंने एक और क्वांटिटी उसमें ऐड करनी है, तो दूसरी क्वांटिटी भाई न्यूटन की नहीं होगी। केजी में न्यूटन कैसे ऐड कर लोगे, केजी में केजी ऐड करोगे, और आंसर भी किस में आएगा, केजी में आएगा, ठीक है। तो केजी की क्वांटिटी में केजी की क्वांटिटी ऐड करके केजी आएगा, ये है होमोजेनिटी। लेंथ की क्वांटिटी में लेंथ की क्वांटिटी ऐड होगी, केजी ऐड नहीं हो सकता, लेंथ की क्वांटिटी में लेंथ की क्वांटिटी ऐड होगी, तो आंसर भी लेंथ में आएगा। यही तो मैं बोल रहा हूं, लेंथ की क्वांटिटी में लेंथ की क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो आंसर लेंथ में आ रहा है। तो ये ना कहे एल प्लस एल टू एल, मैं नंबर थोड़ा ऐड कर रहा हूं, मैं आपको यूनिट्स में बता रहा हूं कि अगर ये टर्म मीटर में है, अगर ये टर्म मीटर में है तो ये टर्म भी मीटर में आएगी। मीटर बोलने की जगह लेंथ 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 बोला जा रहा है, ये फर्क है, इसे बोलते हैं करेक्टनेस चेक करना। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ये नहीं, इसमें अल्जेब्रा नहीं चल रहा, एल प्लस एल टू एल, ये नहीं है, हम क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ये भी लेंथ है, ये केजी होती, ये केजी होती, तो ये भी केजी होती, ये मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है, ये सेकेंड है, ये सेकेंड है, तो ये भी सेकेंड है, ये करेक्टनेस है। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अच्छा ठीक है, आप चेक करो क्या ये रिलेशन करेक्ट है कि नहीं। H इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा बाय आर रो जी। H का मतलब है हाइट, T का मतलब है सरफेस टेंशन,
सरफेस टेंशन, ठीक। आर का मतलब है रेडियस, रो का मतलब है डेंसिटी, जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चेक करो करेक्ट है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आ रहा है, राइट साइड देखो क्या आ रहा है, अगर बराबर आ रहे हैं तो करेक्ट है। कहाँ पे? हाइट, सरफेस टेंशन, रेडियस, डेंसिटी और एक्सेलरेशन। पुट करो वैल्यू लेफ्ट और राइट पे। लेफ्ट तो एल आ गया, राइट में पुट करो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, एल आ गया। राइट हैंड साइड पे क्या आ गया? देखो टू के ना तो कोई यूनिट्स है ना कोई डायमेंशन है, तो टू को तो लेना नहीं। सरफेस टेंशन, टी का मतलब सरफेस टेंशन, फॉर्मूला क्या है? एम टी माइनस टू कॉस थीटा को नंबर होता है, ये कोई इसका डायमेंशन फॉर्मूला है ही नहीं, डिवाइडेड बाई आर का मतलब लेंथ है, रो का मतलब डेंसिटी है, जी का मतलब एक्सेलरेशन है। ऐसे एम से एम कैंसल, टाइम से कैंसल, ये एल एल एल, सॉल्व करो आंसर एल आ रहा है। चेक करो मल्टीप्लाई करो एल आएगा, ये एल स्क्वायर है ना, एल की पावर माइनस थ्री है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये आएगा, ऊपर जाके एल आ गया। इसका मतलब ये रिलेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। समझ में आ रहा है कैसे करेक्टनेस चेक करनी है ना? फिर तो गड़बड़ हो गई यार, लेफ्ट और राइट, हाँ लेफ्ट का अलग राइट का अलग, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे चेक करना है करेक्टनेस? ठीक चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दूँ करने के लिए, करेक्टनेस चेक करो। ठीक क्वेश्चन है, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, टी फॉर टाइम, एल फॉर लेंथ, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अंडर रूट है, एल लेंथ है, एक्सेलरेशन, टी का मतलब तो टी आ गया, राइट साइड पे टू पाई को तो लेना नहीं, एल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल, और एक्सेलरेशन का क्या है, एल टी माइनस टू, तो एल से एल कैंसल, तो क्या बचा यहां पर, बचा वन अपॉन टी रेज टू पावर माइनस टू रेज टू पावर हाफ, सॉल्व करके क्या आएगा, वन अपॉन टी की पावर माइनस वन, सॉल्व करके क्या आएगा, टी, बिल्कुल सही है, ऐसे आ रहा है ना, सॉल्व करोगे तो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा, चेक कर लो। समझ में आ रहा है स्टेप? और वैसे भी तो फटाक देके फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इतनी जल्दी बना सकता हूँ, मुझे याद है फॉर्मूले जो मैं चेक करवा रहा हूँ, तो ये तो वैसे भी करेक्ट ही आने वाले हैं ना। कितनी स्पीड से टी इक्वल टू पाई रूट एल बाई जी बैठा हुआ है दिमाग में, एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा बाई आर रो जी, ऐसे थोड़ा कोई बनते हैं फॉर्मूले मन से, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो हम आने वाले टाइम में यूज़ करेंगे। लास्ट टू क्वेश्चन हैं, अगर आपने इनका आंसर दे दिया मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये एप्लीकेशन बिल्कुल समझ में क्लियर आ गई और आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इनमें से पहला क्वेश्चन लिखो, एफ इज इक्वल टू ए माइनस बी इन टू रूट टी, वेयर एफ का मतलब फोर्स है, टी का मतलब टाइम है, आपको ए एंड बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, क्या होगा ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये निकालना है।
निकालना है आंसर, फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। पहले ए का बता दो मुझे, ए का बोल दो, ए का एक कुछ भी गलत हो जाएगा तो होने दो, बोल दो। ए का MLT माइनस टू, सही गलत, सही है, क्योंकि ये तीन क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला इसका भी होगा, और वही डायमेंशन फॉर्मूला इसका भी होगा, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं ये रिलेशन करेक्ट है, ये गिवन है, दिस रिलेशन इज करेक्ट, इसमें करेक्टनेस चेक नहीं करनी, क्वेश्चन में गिवन होगा रिलेशन करेक्ट है, अब बताओ ए और बी का क्या होगा। तो जब ये रिलेशन करेक्ट है तो ये क्वांटिटी का जो, देखो अगर ये केजी है तो ये भी केजी, ये भी केजी, तो अगर ये MLT माइनस टू है तो ये भी MLT माइनस टू है, ये भी MLT माइनस टू है, तो कम से कम ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या गया, MLT माइनस टू। फिर बी इंटू अंडर ऑफ टी का डायमेंशन फॉर्मूला MLT माइनस टू, बी इंटू टी की पावर क्या है हाफ, इज इक्वल टू MLT माइनस टू, बी विल बी इक्वल टू MLT माइनस टू डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर हाफ। तो यहां पर क्या आएगा, MLT रेज टू पावर कितना, माइनस 5/2। आंसर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रखना है, सेम। तो ए तो आ ही गया, बी इंटू रूट टी भी आ गया, यहां से बी की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। ठीक है, और अगर ये ठीक है और अगर आपने अगले क्वेश्चन का आंसर दे दिया फिर तो गारंटेड आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, बहुत सिंपल है। करें स्टार्ट, ये क्लियर है, ये लो। ई एनर्जी ए माइनस बी इंटू एक्स, या एक मिनट रुको, ए माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी रूट टी, वेयर ई फॉर एनर्जी, एक्स लेंथ एंड टी इज टाइम। फिर से एक बार ए एंड बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ और गिवन दिस रिलेशन इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। ए से स्टार्ट करना, चेक करो इसमें, चलो एक आंसर बोलो, ए का, अच्छा MLT माइनस टू, और कोई, ये लग रहा है ML स्क्वायर, ना ना ना, नेक्स्ट बोलो, ए का ना, नेक्स्ट कितना, पहले ए निकाल दो प्लीज, ना, और ए का ना, ए का बोलते जाओ ना, नेक्स्ट ए का
ना ए का फिर से नहीं, और ना ना एल स्क्वायर। मैंने कहा था केजी की टर्म में केजी की टर्म ऐड हो सकती है, केजी की टर्म में केजी की टर्म सब्ट्रैक्ट हो सकती है, मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर ऐड हो सकता है, मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो सकता है, राइट। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरी दो टर्म माइनस हो रही हैं और उनमें से एक टर्म एल स्क्वायर है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि दूसरी टर्म भी इसका मतलब एल स्क्वायर ही होगी। अगर दो टर्म माइनस हो रही हैं और एक मीटर स्क्वायर है, तो दूसरा भी तो मीटर स्क्वायर है। केजी कैसे होगा, केजी में मीटर स्क्वायर थोड़ा माइनस कर लोगे। तो एक आंसर तो आ गया एल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, ये स्टेप समझ में आया? ये मत बोलना कि तो माइनस करके जीरो आ गए। ना ना, मैं वैल्यू माइनस थोड़ा करवा रहा हूँ, मैं तो यूनिट्स एंड डायमेंशन चेक कर रहा हूँ कि अगर एक क्वांटिटी मुझे पता है कि एल स्क्वायर है और वो क्वांटिटी माइनस हो रही है दूसरी के साथ, दूसरी भी एल स्क्वायर होगी ही होगी। चलो नेक्स्ट, एनर्जी का फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू, बी का निकालना है, टी की वैल्यू क्या है 1/2। बोलो यार न्यूमिनेटर में क्या पुट करूं, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर सही, क्यों जीरो मत बोलना। अगर मैं एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर की टर्म माइनस करूं और जो आंसर आएगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एल स्क्वायर ही होगा। माइनस थोड़ी ना कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर की टर्म माइनस करके आंसर मीटर स्क्वायर ही होगा, तो जो भी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में चलेगा। तो निकाल लो बी, तो बी की एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1/(m(t-2)t½। तो आंसर इज m-1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3/2, ऊपर जाके +3/2। क्या स्टेप क्लियर है, क्या आंसर है, समझ में आया कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें? तो एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर की टर्म माइनस होगी और आंसर भी एल स्क्वायर ही आएगा, ऐसे करना है। आ रहा है, अब आपका होमवर्क सुन लो, आपकी शीट नंबर जो 4 थी, बचे हुए क्वेश्चन वो तो करना ही है। शीट नंबर फाइव है, इसके बचे हुए क्वेश्चन जो है वो भी करने हैं, क्योंकि बचे हुए क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में होने हैं। सिर्फ और सिर्फ करेक्टनेस चेक करनी है सारे क्वेश्चन में, लेफ्ट और राइट का डायमेंशन वो चेक करो, आंसर आ जाएगा। 5 मिनट में होती है। जो आपका टाइम कंज्यूम करेगी वो है शीट नंबर 6, ये रही। इसके अंदर ये जो शीट है, शीट नंबर 6 में ये शीट है, आपको सारे क्वेश्चन ये सारे ट्राई करने हैं। तो कुल मिला के 20 के आसपास क्वेश्चन है, रजिस्टर में लिख के लाने हैं। कोई खाली ना आए कि मैं तो थोड़ा सा, मैं पूछता हूँ कि क्या किया, थोड़ा सा पढ़ लिया था, थोड़ा सा नहीं चाहिए, पूरी की पूरी शीट चाहिए। 4 नंबर शीट के बचे हुए क्वेश्चन, 5 नंबर शीट के बचे हुए क्वेश्चन और 6 नंबर शीट पूरी खत्म। ऑब्जेक्टिव नहीं, रजिस्टर में कर लेना, ऑब्जेक्टिव शीट ना करना, बाकी सारी कर लेना, बात खत्म हो गई। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो सफिशियंट है।